लाहौर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रहा है और पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा था कि दिल दिल पाकिस्तान अहमदाबाद में नहीं चला, जो कि नहीं चला। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो या चुप करके बैठे रहोगे? पाकिस्तान क्लैप्स कर रहे हैं लेकिन हम सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को कल हरा देगा आपको? 100% हरा देगा भाई, अभी हरा है, सिर्फ बताने का बाकी है। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर पाकिस्तान जीतना चाहे तो क्या करे आप बताओ? दिल तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। ये पाकिस्तानी जो है कभी सीरियस हुए नहीं है, इंडिया में हो के वर्ल्ड कप और ये लोग पाकिस्तान की बदनामी करके आ रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तानियों को हमेशा दिल तोड़ते हैं। बस सिर्फ एक दो चैंपियन ट्रॉफी जीतवा के ये तकरीबन लगातार 6 साल से हार ही रहे हैं। जीतेगी इंशाल्लाह, जीतेगी उम्मीद है। अच्छा उम्मीद ये कोई आपको क्योंकि अगर आपके इनकी ऑस्ट्रेलियन की जो सोच, अगर एक दो रन भी रहते होंगे और 10-15 ओवर होंगे, ये तब भी एक दो रन आपको आराम से करने नहीं देते, ये बहुत तगड़े हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग चलेगी तो पाकिस्तान जीतेगी, वरना 100% श्योर ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया के मैच क्राउड किसको सपोर्ट करने वाली है? क्या पाकिस्तान जीत सकता है या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या मानना है और इंडिया के अंदर के जो लोग हैं वो किसको सपोर्ट करेंगे? चलिए वीडियो में देखते हैं। दिल तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाए क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। ये पाकिस्तानी जो है कभी सीरियस हुए नहीं है, इंडिया में हो के वर्ल्ड कप और ये लोग पाकिस्तान की बदनामी करके आ रहे हैं जानबूझ के। एक तो मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो था फिक्स, जो कि नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानियों को अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए, ना कि मैच में बगैरते हैं और जो पैसे वगैरह ले लेते हैं मैच फिक्सिंग वगैरह कर लेते हैं, नहीं करनी चाहिए। इंडिया में जितनी पाकिस्तान की बदनामी हुई है इसके बावजूद भी बाबर आजम वगैरह और रिजवान वगैरह ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं पाकिस्तान को क्रिकेट में इस वजह से सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये हमेशा पाकिस्तानियों को हमेशा दिल तोड़ते हैं। बस सिर्फ एक दो चैंपियन ट्रॉफी जीतवा के ये तकरीबन लगातार 6 साल से हार ही रहे हैं और इनको बिल्कुल शर्म नहीं। इंडिया को फाइनल में ही देख रहा हूँ मैं, आपको बात बताऊँ, खाली इंडिया वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म कर रहा, ओवरऑल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंडिया है ना वहाँ वहाँ वो सारे अव्वल नंबर पर आ रहे हैं, ठीक है। और सबको, इवन सबसे पहले पाकिस्तान को जो उनसे ना सोचना चाहिए और डरना चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि ये भी ऊपर जाए। हम जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया होंगे ना, याद रखिएगा पाकिस्तान हमेशा दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर नहीं आता। अब एशियन गेम देख लो आप, ठीक है ना, उसके 118 मेडल या 114 शायद इंडिया के हैं, 107 ठीक है ना, 107 इंडिया के हैं गोल्ड मेडल, और सिल्वर और ब्रॉन्ज जो उनसे वो पाकिस्तान के से आ रहे हैं। यार क्या है आपकी बॉलिंग, अटैकिंग बॉलिंग है आपकी, बैटिंग जो है, जो बैट्समैन है, हर बैट्समैन का अपना जो प्लान है उसी पे ही रहे, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन बड़ी टीमों के खिलाफ वो अपनी स्ट्रेंथ पे ही रहे। अगर कोई अग्रेसिव खेलता है अग्रेसिव खेले, जो थोड़ा टाइम लेता है इनिंग बिल्ड करता है वो अपना टाइम ले इनिंग बिल्ड करे, लेकिन जो एटीट्यूड होगा वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए इनके खिलाफ। और मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रहा है और पाकिस्तानी टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने कहा था कि दिल दिल पाकिस्तान अहमदाबाद में नहीं चला, जो कि नहीं चला। लेकिन यह कि पाकिस्तानी टीम को जो सपोर्ट है वो कितने लोगों की होगी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हसन अली ने बोला कि हम 36-37 हैं टीम वाले बंदे और 8 मीडिया वाले बंदे भी आ गए, तो हम टोटल 40 लोग हो चुके हैं यहाँ पर इंडिया में। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ पे जो लड़के आए हुए हैं उनको पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स पसंद हैं, सो इनसे पूछते हैं कि कल आए पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के लिए क्लैप करेंगे या नहीं। भाई मुझे एक बात बताएं, आप कल पाकिस्तानी टीम खेल रही है जी, कोई तालियां मारोगे? जी सर बिल्कुल मारेंगे तालियां, बड़ी बात है जी सर। कौन सा प्लेयर पसंद है पाकिस्तान? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन शाह आफरीदी, कल पाकिस्तान को मैच कौन जितवा सकता है? हारिस रूफ जिता सकता है, हारिस रूफ अपनी बॉलिंग से 3 विकेट ले सकता है, 3 से ज्यादा विकेट। जीतेगी इंशाल्लाह, जीतेगी उम्मीद है। अच्छा उम्मीद से दुनिया कायम है भाई, सीधा खतरा हमें, खतरा इंडिया से भाई, पाकिस्तान को क्यों खतरा, टीम को क्यों खतरा होगा? मुझे खतरा कि पाकिस्तान इंडिया के आगे कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया तो बच्चा यार, ऑस्ट्रेलिया नॉट, ऐसा है कि एज अ पाकिस्तानी मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान के जो लास्ट मैचेस मैच में परफॉर्मेंस रही है ना, उसको देख के लगता नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ठहर सकेंगे। अच्छा। तो कल वन साइड मैच होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी डेफिनेटली, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी क्योंकि वो है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया लास्ट दो मैचेस में, लेकिन वो उनके पैट कमिंस ने कैप्टन जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो इंडिया से हम हारे हैं ना, इंडिया का गुस्सा जो है हमने पाकिस्तान पे नहीं। ये कोई आपको क्योंकि अगर आपके इनकी ऑस्ट्रेलियन की जो सोच, अगर एक दो रन भी रहते होंगे और 10-15 ओवर होंगे, ये तब भी एक दो रन आपको आराम से करने नहीं देते, ये बहुत तगड़े हैं। तो इनके खिलाफ आपको तगड़ी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और वो कहते हैं कि अटैक ही आपका डिफेंस है, तो मैं समझता हूं कि गुड अटैकिंग क्रिकेट विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, मेक इट इजी, मेक इट सिंपल। बहुत ज्यादा चीजें सोचेंगे तो उतने ही आप पैनिक कर जाओगे। स्टिक टू द प्लान, क्या किस प्लान, क्या प्लान कप्तान का, कोच का बनाए, उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें चाहे सिचुएशन जो भी हो। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि शाहीन अफरीदी कल चमकेगा, 100% स्विंग जबरदस्त रहेगा, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ लाइव फिजिकल। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, इन फॉर्म जा रहा है उसको यहाँ से फॉर्म वापस दिला नहीं, 100% फॉर्म में आएगा कल शाहीन अफरीदी, 5 विकेट ऑल लेगा। शाहीन प्लीज इसकी सुन लेना, आप आओ, आपको कौन सा प्लेयर पसंद है पाकिस्तानी टीम? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान साहब क्या करेंगे कल, क्या उम्मीद है? कल सपोर्ट करेंगे मोहम्मद रिजवान के लिए,
बैटिंग पिच है, आप बताओ आप कल पाकिस्तानी टीम के लिए क्लैप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो या चुप करके बैठे रहोगे? पाकिस्तान क्लैप कर रहे हैं लेकिन हम सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को कल हरा देगा आपको? 100% हरा देगा भाई, अभी हरा है सिर्फ बताने का बाकी है। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अगर पाकिस्तान जीतना चाहे तो क्या करे आप बताओ, क्योंकि आप तो यहाँ के हो, एक कोई टिप ही दे दो, कोई टिप्स दे दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा क्योंकि हम मैक्सवेल के बड़े फैन हैं। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ना, मुझे बताओ हम कैसे जीते हैं? बॉलिंग अच्छी करके, बड़ी पत्ते की बात बताने लगा, अगर मशवरा देने लगा, अगर पाकिस्तान जीतना है तो बाबर आजम और रिजवान चलना है वरना घर जाना है। यार ये सुन लो, रिजवान साहब और बाबर को स्कोर करना पड़ेगा। हाँ वही है, आप बताओ बॉलिंग शाहिन आफरीदी की चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर जैसे कि भाई ने बताया घर ही जाना पड़ेगा। चाचा क्या कर रहे हो? हाँ इफ्तिखार अहमद भी, ये चाचा बोल रहे हैं कि चाचा इफ्तिखार चलेगा। हाँ कल चलेगा चाचा, आई लव यू, आपकी अच्छी बात है। हाँ भाई मुझे बताओ कल कौन जीतवा रहे पाकिस्तान? मोहम्मद रिजवान। क्लैप कर रहे हो कल? पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, मैक्सवेल को भी कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान अच्छा आरसीबी की वजह से मैक्सवेल कर रहे हैं। हां आरसीबी की वजह से मैक्सवेल रिजवान जीतवाएगा। हां रिजवान जीतेगा। आप भैया बताइए सर, मेन क्या है, मतलब ओपनिंग ऑर्डर जो है ना वो सही चलना चाहिए। ओपनिंग जैसे अभी जो हैदराबाद में मैच हुआ 300 प्लस चेस किया, क्यों हुआ? ओपनिंग चला, अगर ये ओपनिंग ही नहीं चला, ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर जो होता है ना, मिडिल ऑर्डर वेस्ट है। सब प्लेयर ऐसे आते हैं कि जैसे आउट होने की जल्दी में आए, आते ही आउट, आते ही आउट, आते ही। और जो शॉट्स खेलते हैं ये छोटा ग्राउंड है, कोई बड़ा ग्राउंड नहीं है, जैसे अहमदाबाद बड़ा बाउंड्री से इधर उधर जो फोर मारते हैं इधर सिक्स चले जाएगा आराम से। मेन क्या है, मतलब कल पाकिस्तान की बैटिंग चलेगी तो पाकिस्तान जीतेगी, वरना 100% और ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया क्यों जीतेगी? दो मैच हारी हुई है, ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म लास्ट रिसेंटली अच्छा है, कल ऑस्ट्रेलिया ही जीतने की बहुत उम्मीद है। ओके, आपने यहाँ बेंगलोर के क्रिकेट फैंस की बातें सुनी है, ये पता क्या बात कर रहे हैं कि शाहीन चले, हारिस चले, बाबर चले, रिजवान चले और ये टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, टीम के लिए क्लैप भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक ग्रुप बन के पाकिस्तान के जाहिर लोग, मतलब पाकिस्तानी इंडिया वर्सेज सॉरी ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान जो मैच होने वाला है भाई, उसके अंदर सपोर्ट करें भाई, हमारा पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। भाई सबसे बड़ी बात बताऊं मैं तुम्हें, इंडिया के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, जो पाकिस्तान के कोच है उन्होंने कंप्लेंट करी है बीसीसीआई को कि हमारे यहाँ पे ना क्राउड हमें सपोर्ट नहीं करता। अब जाहिर लो तुम्हें ऐसे बोलने से क्राउड सपोर्ट करेगा क्या? तो भाई अभी सबसे ज्यादा वेट आज के क्राउड का, कि क्राउड क्या रिएक्शन देता, क्राउड किसके साथ, पाकिस्तान के साथ या मोहम्मद जोहर के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। दोस्तों बहुत ही भयंकर मैच होने वाला भाई, और क्राउड की जो भी वीडियो होंगी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।